नमस्कार और आप देखें पल पल। भिवानी में आज प्रजापति समाज ने हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गगवा व हरियाणा सिविल सर्विस के चयनित 5 युवाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस सम्मान समारोह में समाज के अनेक प्रबुद्ध व्यक्तित्व व अधिकारीगण शामिल रहे। सम्मान समारोह में हरियाणा का टॉपर रहा HCS अधिकारी रोहित प्रजापति महाराणा तथा केथल से डॉक्टर सुभाष, हिसार से अमित प्रजापति, सोनीपत से जयप्रकाश, हिसार से सुरेश नौकवाल को समाज की तरफ से विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2019 में कक्षा 10 और 12वीं में परीक्षा के टॉपर रहे समाज के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि आज का समय शिक्षा का समय है और जो शिक्षा से जुड़ा रहेगा वह आगे बढ़ेगा। MLA या मंत्री के रिश्तेदारों को नौकरियां मिला करती थी, पर्ची और खर्ची का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का फैसला लिया है, जिसके चलते हर वर्ग के विद्यार्थी को अब पढ़ना आवश्यक होगा, क्योंकि BJP सरकार पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को ही नौकरी दे रही है, जबकि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि आखिरी छोर तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज सरकारी सेवाओं से हमेशा वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी सेवाओं में हमेशा वंचित रहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें वंचित नहीं रखा बल्कि सम्मान दिया है। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी सर, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में? आज भिवानी के प्रजापति समाज द्वारा विशेषकर आज के प्रोग्राम के संयोजक हमारे मोहम्मद जो इस भिवानी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी यहाँ मुलाकात की सम्मान करने का काम किया है। मेरा भी साथ में तमाम हमारे जो HCS के जो नए अधिकारी अभी लगे हैं, मैं तमाम जो नवचयनित हमारे HCS अधिकारी हैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद करूंगा मोहम्मद जी, धर्मवीर जी, इनकी पूरी टीम का भी, जिन्होंने यहां बुला करके हमारा सम्मान करने का काम किया। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा भाजपा हाईकमांड का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस के ऊपर सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर बना करके न केवल मेरा बल्कि पूरे बैकवर्ड समाज का सम्मान करने का काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से आज मैं जो हमारे जो समाज के लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो पढ़ाई का समय है। पहले जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले यहाँ जो नौकरियों के रेट फिक्स थे, केवल और केवल जिसके कोई मंत्री रिश्तेदार थे या कोई MLA उनके ही बच्चे केवल लगते थे, जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी बने हैं, उन्होंने जो मेरिट के आधार पर जो नौकरियां देने का काम किया है, उससे बच्चों के अंदर एक उत्साह है। पहले तो ये था कि हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो डिमोरलाइज हो जाते थे बच्चे, कहीं कहीं रास्ते से भटक जाते थे कि हम बेशक हम पढ़ लेंगे लेकिन हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, हमारी पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, हमें जो सरकारी सेवा के अंदर अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच है कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, और इसके लिए जहाँ जो बार बार जिन घरों के अंदर सरकारी सर्विसेज थी वही लगते थे, उन्होंने जिस घर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर बच्चों को एक्स्ट्रा देकर के उन घरों तक भी सरकारी सेवाएं पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और जहां आज जो HCS के रिजल्ट आए हैं, खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, हम देखते थे कि चाहे कोई छोटी नौकरियाँ होती थी, चाहे कोई इंस्पेक्टर लेवल की, सब इंस्पेक्टर लेवल की, उसके अंदर भी ये कह करके छोड़ दिया जाता था कि योग्य व्यक्ति ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। और आज जो मोस्ट बैकवर्ड के बच्चे हैं वो केवल आरक्षण में ही नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के अंदर भी टॉप करके
उन्होंने मुकाम हासिल किया है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पारदर्शी के साथ नौकरियाँ देने का जो है वो काम किया है, उससे खासकर जो बैकवर्ड समाज है, जो वंचित वर्ग है, उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कितने बच्चों को